बावजूद 44% लोग खुले में ही टॉयलेट जाते थे, लेकिन क्यों? वेल साइनिटेशन क्वालिटी यूज एक्सेस एंड ट्रेंड्स यानी कि स्क्वाड के 2014 से लेकर 15 के सर्वे के दौरान ये बात सामने आई कि ज्यादातर लोग जो खुले में शौच करते हैं उन्हें ये लगता है कि खुले में डिफिकेट करना उनके लिए और उनके परिवार के लिए उतना ही हेल्दी है जितना कोई टॉयलेट में जाना। अब इस सोच की खीप। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अहमद और मैं हूं फिलजा अहमद। फ्रेंड्स, हमने इंडिया के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाई जिसके अंदर हमने इंडिया की बहुत खूबसूरत शहरों को देखा, बहुत खूबसूरत रोडों को देखा, बहुत खूबसूरत बिल्डिंगों को देखा, बम्बई को देखा, हैदराबाद को देखा, बहुत इंडिया की मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस को देखा, जहाँ पे इतना सब कुछ हम खूबसूरत वीडियोस के ऊपर अपने रिएक्शन दे रहे थे। वहाँ पे हमें एक वीडियो नज़र आई आज से काफ़ी देर पहले, जिसके अंदर था कि इंडिया के अंदर कचरा कितना ज़्यादा है, व्हाई इज़ इंडिया डर्टी, सो डर्टी। तो तब हमने इस वीडियो को इग्नोर किया कि हमें लगा कि अभी ये वक्त नहीं है कि हम अपनी रिएक्शन इस वीडियो पर भी दे सकें, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है हमें समझ रही है, उनको पता चलना चाहिए हम क्या सोचते हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, किस थिंकिंग को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने रिएक्शन देते हैं। तो जब अब ये मेरे समझता था कि अब वो वक्त आ गया है कि इस वीडियो को भी देखा जाए, क्योंकि जहाँ पे इंडिया के खूबसूरत चेहरों को हम दिखाते हैं वहाँ पे कुछ रियलिटी बेसिस के ऊपर भी बात की जाए। हर मुल्क की अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। अगर आप हर चीज़ अच्छा ही दिखाते रहेंगे और बुरा नहीं दिखाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप गलत कर रहे हैं। इंसान को हमेशा रियलिटी को फेस करना चाहिए। तो आज हमने एक वीडियो देखी निकाली है जो जिसके ऊपर हम रिएक्शन देने के लिए जा रहे हैं। उसके अंदर दिखाया जाएगा कि इंडिया के अंदर किन किन जगहों पे बहुत ज़्यादा गुर्बत पाई जाती है, किन किन जगहों पे बहुत ज़्यादा कचरा है और उसकी रीजंस क्या हैं, उनको देखकर हम अपने रिएक्शन भी आपसे देंगे। और इस वीडियो का सिर्फ मकसद ये मैसेज देना होगा कि ये बात मैं तुम लोगों को बताऊंगा, अभी नहीं बताता, ताकि तुम लोग पहले वीडियो देख लो, उसके बाद जो ट्विस्ट है वो बाद में बताता हूँ। तो इस वीडियो को करता हूँ प्ले, तुम लोग जल्दी से जाके चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, साथ में लगा घंटी का बटन भी प्रेस करो ताकि वीडियो अपलोड होते साथ ही तुम लोगों तक टन टन की घंटी बज सके। तो इस वीडियो को करते हैं प्ले, लेट्स प्ले द और आज हमारा इंडिया वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड देश है, जिसे लोग द डर्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भी कहते हैं, एंड आई गेस राइटफुली सो। आप खुद ही इंडिया की गंदगी को, इंडिया के रोड्स को, इंडिया के पार्क्स को कंपेयर करके देख लो दूसरे देशों से, डिफरेंस आपके सामने है। आज बात तो ऐसी हो गई है कि वर्ल्ड 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से 22 सिटीज तो बस इंडिया की ही है, लेकिन ये सब भी कुछ भी नहीं है इसके कंपेरिजन में। इंडिया में 2047 तक कचरा गंदगी इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि इंडिया के मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े शहरों की कंबाइंड जगह जितनी जगह तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कचरे को रखने के लिए ही लगेगी। लेकिन यार इस सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? वेल, विकिपीडिया पे मौजूद डेटा के मुताबिक आज भी 40% ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट म्युनिसिपैलिटी कलेक्ट ही नहीं करती है। तो क्या इसका मतलब कि इंडिया के डर्टीएस्ट कंट्री होने की वजह हमारी गवर्नमेंट है? लेकिन देन व्हाट अबाउट द स्वच्छ भारत अभियान? सो वेल, आज की वीडियो में हम बिल्कुल ही जानेंगे क्यों हमारा देश इतना ज्यादा अनक्लीन, इतना ज्यादा अनहाइजीनिक है और क्या इस मामले में आज भारत का कोई होप है। लेट्स फाइंड आउट। सो वेल, इंडिया डर्टीएस्ट कंट्री क्यों है, इस सवाल का जवाब जानने के पहले हमें सबसे पहले इंडिया के करंट सिचुएशन को जानना पड़ेगा। इंटरनेशनल चैरिटी वाटर एड के 2017 के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 56% पॉपुलेशन यानी 7,320 लाख लोगों के पास बेसिक सैनिटरी की सुविधा ही नहीं है। बीबीसी के 2014 के आर्टिकल के मुताबिक इंडिया के लगभग 550 मिलियन लोग, जो आज के यूएस की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, वो खुले में शौच करती है, खुले में डिफिकेट करती है। अब हालांकि ये नंबर आज 2021 में आधा हो चुका है, विच इज अ वेरी कमेंडेबल जॉब, पर आज भी इंडिया में जितने लोगों के पास मोबाइल फोन्स है उतने लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या है इस गंदगी की वजह? सो वेल, इसका फर्स्ट रीजन है पॉल्यूशन। अब यहाँ पर फ्लोनर्स आपको ये वीडियो थोड़ा सा माइंड को ओपन करके सुनना होगा, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन इंडिया को रिडिक्यूल करने का या उसकी बुराई करने का नहीं है, बल्कि हर देश की तरह इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है उसे सबके सामने लाने का है। क्योंकि as we all know, problems अपने आप में सॉल्व नहीं होंगी। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप है कि वो प्रॉब्लम है ये बात को एक्सेप्ट करना।
ये बात को समझना। और आज हम इस वीडियो के थ्रू एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। सो बात करते हैं इंडिया के डर्ट के रीजन नंबर 1 की, जो कि है पॉल्यूशन। ब्लूमबर्ग के एक डेटा के मुताबिक हमारी देश की राजधानी दिल्ली 2020 में वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी थी। अब इंडिया में स्पेसिफिकली पॉल्यूशन के दो मेन सोर्सेज हैं। इसमें से सबसे पहला नंबर आता है एयर पॉल्यूशन का। 2019 के एक आर्टिकल के हिसाब से हर साल इंडिया में एयर पॉल्यूशन की वजह से मरने वालों की गिनती 1.2 मिलियन पर पहुंच चुकी थी। इनफैक्ट कोविड-19 के बावजूद इंडिया 2020 में फिफ्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल का मार्केट रहा था, जिसने 3.49 मिलियन यूनिट्स को सोल्ड किया था। और ऑब्वियसली इस इंक्रीज के साथ हम कार एमिशंस के वजह से होने वाले एयर पोल्यूशन के इंक्रीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसने बाय द वे 2015 में दुनिया भर के 385,000 लोगों की जान ले ली थी। दूसरा मेजर पोल्यूशन इंडिया में है वाटर पोल्यूशन। आज हिंदुस्तान का 80% पानी पोल्यूटेड हो चुका है, क्योंकि इंडिया के हाउस होल्ड से लेकर इंडस्ट्रीज तक का कचरा हमारे नदी और झीलों में ही भाया जाता है, जिसका नतीजा आज इंडिया के 38 मिलियन लोग पानी से होने वाली बीमारियां जैसे कि टाइफाइड, कॉलेरा और हेपेटाइटिस से हर साल जूझ रहे हैं। अब आप ही सोचो, जब हमारे देश में इतना पोल्यूशन हो रहा है तो क्या इससे गंदगी नहीं फैलेगी? सो चलो अब बढ़ते हैं इंडिया के डर्टी होने के रीजन नंबर 2 पे। बात करते हैं इंडिया के लैंडफिल्स की कंडीशन की, जो और कुछ नहीं है बल्कि ओवरक्राउडिंग एंड लैक ऑफ लैंडफिल्स है। 2017 में इंडिया के टाउन्स और सिटीज में रहने वाले लोग 62 मिलियन टन जितना कचरा हर साल जनरेट करते थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 43 मिलियन टन ही कचरा कलेक्ट किया जाता था, बाकी कलेक्ट भी नहीं हो रहा था। और उस 43 मिलियन टन में से भी सिर्फ 12 मिलियन टन को ही गार्बेज प्लांट्स में ट्रीट किया जा रहा था, और बाकी का 31 मिलियन टन बिना किसी ट्रीटमेंट के सिर्फ लैंडफिल्स में ऐसे ही डंप कर दिया जा रहा था। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया 2030 तक 165 मिलियन टन का कचरा जनरेट कर सकता है, तब हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स और लैंडफिल्स की हालत क्या होगी? और अगर बात करें इंडिया के लैंडफिल्स की, तो आज इंडिया के पास 1684 लैंडफिल्स है। लेकिन फिर भी, जो सुनने में तो बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है, क्योंकि अगर दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की माने तो इन सारे सिटीज के लैंडफिल्स ओवरफ्लो होने की वजह से इनके पास कचरा फेंकने की कोई जगह ही नहीं बची है, जिसके वजह से ऑब्वियसली ना कचरा अच्छे से कलेक्ट किया जा रहा है और ना ही उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। अब अगर वेस्ट ठीक से कलेक्ट ही नहीं हो रहा तो उसमें गलती किसकी है? वेल, रीजन नंबर 3, गवर्नमेंट। सही। अब इस पॉइंट की शुरुआत इंडिया के उन प्लान्स को जानकर करते हैं, जो लाए तो जाते हैं पर अपनाए कभी नहीं जाते। सन 2000 में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के हर शहर को वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने को कहा, लेकिन ऑब्वियसली उनके बाद पुअर फॉलोइंग की वजह से ये प्लान्स कहीं पे भी इंप्लीमेंट ही नहीं हुए। टू द पॉइंट कि आज 40% म्युनिसिपल वेस्ट तो शहरों से कलेक्ट ही नहीं होता है, यहाँ तक कि मेडिकल वेस्ट जिसके कॉन्टैक्ट में आकर लोग बीमार तक हो सकते हैं उन्हें तक नहीं हटाया जाता है। बट ये पहली बार नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो कि गवर्नमेंट के लाए हुए एक्ट, रूल्स, प्लान्स और स्कीम्स में से सिर्फ इक्का दुक्का ही इफेक्टिवली काम करता है और बाकी सब सिर्फ नाम के लिए। लेकिन इन गवर्नमेंट प्लान्स के साथ जो चौथा रीजन है वो गार्बेज का कलेक्शन प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास गार्बेज को कलेक्ट करने के रिसोर्सेज ही नहीं है। जैसे कचरे के डब्बे को ही ले लो, एक तो कचरे के डब्बों की कमी है और जहाँ पर वो है उनका हाल कुछ ऐसा होता है। हमारे इंडिया में गार्बेज सेग्रीगेशन यानी रिसाइकलिंग, ऑर्गेनिक और अलग अलग तरह से कचरे को अलग करना, ये सिस्टम फॉलो ही नहीं होता, जिसके वजह से ना ही हम इसे फॉलो करते हैं और ना ही गार्बेज कलेक्टर्स, जिसका नतीजा ये होता है कि वेस्ट मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इंडिया को डर्टीएस्ट कंट्री बनाने के पीछे? क्या इसमें हमारा कोई रोल नहीं है? वेल, इससे हम पहुंचते हैं इंडिया को डर्टी बनाने वाले रीजन नंबर 5 पे। हम इंडियंस का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन का सबसे फर्स्ट रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस। 2019 में किए गए एक रिसर्च में 9812 आम जनता और 156 गवर्नमेंट ऑफिशियल के सर्वे से ये पता चला था कि 2018 में टॉयलेट्स बनने के बावजूद 44% लोग खुले में ही टॉयलेट जाते थे। लेकिन क्यों? वेल, सैनिटेशन क्वालिटी, यूज, एक्सेस एंड ट्रेंड्स यानी कि स्क्वाड के 2014 से लेकर 15 के सर्वे के दौरान ये बात सामने आई कि ज्यादातर लोग जो खुले में शौच करते हैं उन्हें ये लगता है कि खुले में डिफिकेट करना उनके लिए और उनके परिवार के लिए उतना ही हेल्दी है जितना कोई टॉयलेट में जाना। अब इस सोच की कीमत कितनी आपको पता है? इस सोच से 300,000 लोग मर रहे थे। Talk to in our squat survey thought that going in the open was just as good for child health as using a latrine. लेकिन आज इंडिया में ओपन डिफिकेशन से मरने वाले लोगों की गिनती 100,000 पर पहुंच गई है, जो ये बताता है कि मे बी ग्रेजुअली ही सही, लेकिन हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सुधर रहे हैं। अब इंडियंस के इंडिया को डर्टी बनाने के रीजन नंबर 2 की अगर बात करें तो वो है हर्ड मेंटालिटी। इंडियंस की सोच ये है कि जहाँ पर कचरा ऑलरेडी डाल रखा है, जहाँ पर लोग ऑलरेडी वो चीज कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं, हम भी वहाँ पर कचरा डाल सकते हैं, भले ही वे चाहे वो कचरा डालने की जगह हो या फिर कोई रास्ता ही क्यों ना हो। मतलब कम ऑन, गांव तो छोड़ो, इंडिया के शहरों में भी देख लो, आपको लोग ऐसे ही बस के बाहर कचरा फेंकते हुए, ट्रेन के बाहर कचरा फेंकते हुए या इवन कुछ भी खा के रैपर वगैरह ऐसे रस्ते में फेंकते हुए दिखते रहेंगे। सो इसीलिए जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है इंडियंस को खुद का मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा।
हमें अपने आप को कचरे में रखने की आदत हो गई है। हम भले ही अपने घर को एकदम स्पिक एंड स्पैन रखे लेकिन बाहर वो चीज बिल्कुल भी फॉलो नहीं होती। सो चलो ये तो हो गए इंडिया के डर्टीएस्ट कंट्री होने के पीछे के कुछ रीजंस। लेकिन क्या इसको रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट कोई स्टेप्स ले रही है? वेल यस, इन स्टेप्स में से सबसे पहला नाम है स्वच्छ भारत अभियान का, जिसके लिए हमारी कंट्री के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद झाड़ू लेकर रस्तों पर उतरे थे। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान का लॉन्च होने के बाद ओरिजिनल प्लान तो इंडिया को 2019 तक ओपन डिफिकेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने का था और 100% वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को खड़ा करने का था। लेकिन अब तक स्वच्छ भारत अभियान ने क्या किया है? 2014 के लॉन्च के बाद इंडिया में 9.5 करोड़ बनाए गए और 5,64,658 गांवों को ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया। लेकिन ऑब्वियसली ये आंकड़ा 100% डिफिकेशन फ्री पहुंचने में थोड़ा टाइम और लगेगा और इसके पीछे में कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन है टॉयलेट्स का दूर होना। अब सिचुएशन ऐसी है कि गवर्नमेंट जो टॉयलेट्स बना रही है वो लोगों के घरों से दूर थे, जिसकी वजह से उन तक जाने और आने में और फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद भी लाइन लगाकर उनका इस्तेमाल करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी और इसीलिए लोग टॉयलेट्स को नहीं पर अपने ओपन डिफिकेशन को कंटिन्यू कर रहे थे। दूसरा रीजन है गवर्नमेंट से पैसों का लेट मिलना। गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड्स को टॉयलेट बन जाने के बाद पैसे देने की जो स्कीम रखी थी उसके मुताबिक पहले लोगों को अपने खुद के 12,000 से 15,000 लगाकर टॉयलेट्स बनाने के बाद और जरूरी कागजात दिखाने के बाद ही उन्हें वो 12,000 से 15,000 रुपए वापस मिलेंगे गवर्नमेंट से। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि 2016 से लेकर 17 में एवरेज एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की इनकम पर मंथ ही सिर्फ 8,931 थी। अब जो कमा ही 8,000 रुपए रहे हैं, 15,000 रुपए का टॉयलेट कैसे बनवाएंगे? तो ऑब्वियसली वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। अब इसका फाइनल रीजन है डिस्क्रिमिनेशन। अब इंडिया के डर्टीएस्ट और इस स्वच्छ भारत मिशन के कमजोर पड़ने की एक वजह ये भी है कि हमारा स्ट्रॉन्ग कल्चर और कास्ट डिवीजन की वजह से अभी भी लोग ये मानते हैं कि कचरा उठाना, उसे साफ करना छोटी जाति के लोगों का काम है, जिसके वजह से भी लोग उसे साफ नहीं करते हैं और वही पड़े रहने देते हैं। अब बढ़ते हैं इंडिया को साफ करने के गवर्नमेंट के दूसरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, नमामि गंगे। इंडिया के लगभग 100 शहरों से बिना किसी गार्बेज प्लांट में ट्रीट किया हुआ कचरा सीधा गंगा के पानी में डाल दिया जाता था। अब इंडिया के 29,000 मिलियन लीटर पर डे जनरेट होने वाले सुवेज और सिर्फ 6,000 मिलियन लीटर पर डे ट्रीट किए जाने वाले सुवेज के बीच में गंगा को बचाने का एक प्लान चाहिए था और जिसके लिए ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, जिसमें 310 प्रोजेक्ट सैंक्शन थे। और 2020 के एक आर्टिकल के मुताबिक इंडिया के इस प्रोजेक्ट ने 310 में से 116 प्रोजेक्ट्स को 2020 की शुरुआत में ही पूरा कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, जिनमें से 2020 में कंप्लीटेड सुवेज प्रोजेक्ट्स का नंबर 46 था और अब 68 सुवेज प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और कई हजार टॉयलेट्स बन चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट के इतने सारे इनिशिएटिव्स के बावजूद अगर हम आम नागरिक कचरे को ऐसी सड़कों में फेंकते रहेंगे, अपने एरिया में अपने इलाके में ऐसी गंदगी करते बैठेंगे, गवर्नमेंट के रूल्स और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इंडिया क्लीन कैसे होगा? अब हर चीज के लिए सिर्फ गवर्नमेंट को तो दोषी नहीं करार सकते ना। क्या अगर गवर्नमेंट टॉयलेट्स बनवाए लेकिन कोई उसमें जाए ही ना? क्या अगर गवर्नमेंट सड़कों को पेंट करे, उनमें ग्राफिटीज बनाए, उन्हें ब्यूटीफुल बनाए और कोई उसमें पान थूक दे? अब क्या इस सब में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हर चीज सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही थोपी जा सकती है? वेल आई डोंट थिंक सो। यहाँ हमें जरूरत है इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होने की और उस पर अपने लेवल पर कदम उठाने की। अरे गांव तो छोड़ो, शहर के सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग तक आते जाते रास्ते में ऐसे ही थूक देते, कचरा फेंक देते। वो गवर्नमेंट का मंत्र है ना, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। वेल इस सिचुएशन में मेरा ये मानना है कि हमें बीमार से ही लड़ना है। वो इंसान जो दिमाग से बीमार है, ऐसी गंदगी फैला रहा है, उससे लड़ना है, उसे अवेयर बनाना है, उसे समझाना है, वरना उसकी ये बीमारी ऐसे ही करके पूरे भारत को खा जाएगी। सो अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हो, आपको इस वीडियो में कोई बात लगती है तो इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो, इस इशू पे अवेयरनेस क्रिएट करने में मेरी हेल्प करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके बताओ कि हम लोग एज नॉर्मल सिटीजंस ऑफ इंडिया अपने लेवल पर इंडिया को डर्ट फ्री रखने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखनी है तो इस चैनल गेट सेट प्लान को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन पे दबाना है तो ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर इंडिया के अंदर जो कचरा है उसके मुतालिक हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिली और रीजंस भी जानने को मिली कि बेसिकली वो गार्बेज क्यों है, इंडिया इतना ज़्यादा गंदा क्यों है। इस वीडियो को बनाने का मकसद कहीं भी हमारा ऐसा नहीं था कि इंडिया के लिए हम कुछ गलत नेगेटिव सोच रख सकें या कुछ ऐसा बात कर सकें कि जो आप लोगों को दुख पहुँचाए या आपको बुरी लगे। मैंने ये स्टार्टिंग में कहा था आप सबसे कि इस वीडियो का जो बनाने का मेन मकसद था वो एक मैसेज देना भी था।
जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा लैकनेस गवर्नमेंट की है, लेकिन मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा कसूरवार कहीं ना कहीं पे हम लोग भी हैं। अगर हम भी अपना काम अच्छे से करें, अपना गार्बेज को अच्छे से फेंकें, डिस्पोज करें, जहाँ पे उसकी जगह है वहाँ पर फेंकें, जो बाहर रोड्स के ऊपर हम टॉयलेट्स को यूज़ नहीं करते और यूरिन पास कर देते हैं वही प्रॉपर टॉयलेट्स में जाके करें, तो इंडिया की भी काफ़ी ज़्यादा जो पोल्यूशन के मसाइल हैं वो कम हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक मैसेज ही आप सबके लिए मेरी तरफ से होगा कि मेरे ख्याल से कि जितना आप खुद अपने घर को साफ रखते हैं उतना अपने मुल्क को भी साफ रखिए, क्योंकि मुल्क भी हमारा अपना है। और जैसे हम अपने घर का एक बेडरूम साफ रखते हैं, अपना लॉन साफ रखते हैं, इस तरह हमें रोड्स को भी साफ रखना चाहिए, ताकि आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आई होगी आपको बहुत ज़्यादा पसंद, और अगर आप चाहते हो इसी तरह आपकी बताई गई वीडियोस पर हम अपने रिएक्शन लाते रहें तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, साथ में चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक, साथ में लगा घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आखिर में बस इतना ही कि अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मिलेंगे आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। Thank you.